आप का आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फूड एंड लाइफ स्टाइल में तो व्रत में कुछ चटपटा खाने का मन करे तो ये बनाएं आप कुट्टू का दही भल्ला जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बहुत ही ज़्यादा चटपटा है तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है तो इसके लिए ले लिया है मैंने सबसे पहले एक कटोरी ये कुट्टू का आटा साथ ही साथ मैंने लिया है ये नारियल को अच्छे से मैंने ग्रेट करके लगभग एक बड़ा चम्मच रख लिया है थोड़ी सी हरी मिर्च हरी धनिया हरी मिर्च और कुछ ये बादाम और किशमिश के काट के रख लिया है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले एक बाउल में मैंने ले लिया है कुट्टू का आटा और अब उसमें डाल दिया है मैंने हरी मिर्च अदरक साथ ही साथ डाल दिया है मैंने ये नारियल धनिया के पत्ती और साथ ही साथ जो मैंने बादाम और किशमिश रखे थे वो डाल दिया है अब डालने के बाद मुझे इसका एक घोल तैयार करना है घोल जितना अच्छा फिटेगा उतना ही अच्छा आपका सॉफ्ट और स्पंजी दही भल्ला बनेगा तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक अच्छा सा बढ़िया सा इसका एक बैटर तैयार करना है तो लगातार इस तरह से अच्छे से एक ही साइड चलाते हुए हाथों से अच्छे से इसको देखिए इस तरह से मैंने फेट लिया है लगभग एक से डेढ़ मिनट लगेगा और ये बढ़िया से एकदम फ्लपी तैयार हो गया है देखिए कितने अच्छे से ये फूल गया है अब जब इसको बनाएंगे तो आपका दही भल्ला बिल्कुल ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा तो चलिए ये मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है मुझे बिल्कुल ऐसा ही चाहिए अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ तो सबसे पहले मैंने चढ़ा दिया है गैस पे देी घी देसी घी मेरा गर्म हो गया है और इसमें ये छोटे छोटे भल्लों को मैं इस तरह से डाल दूंगी। गाय के बहुत ही बढ़िया से व्रत में खाने की रेसिपी है आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा आप इसको बिना व्रत के भी खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है खाने में डाइजेस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा है तो एक बार आप इसको जरूर बनाइएगा तो देखिए इस तरह से मैंने सारे भल्लों को इसमें डाल दिया है और मैं इसको धीमी आँच में अच्छे से गोल्डन फ्राई करूँगी देखिए अच्छे से मेरा ये पक रहा है और आप कोई भी रेसिपी देखिए स्टेप बाय स्टेप देखिए ताकि आपको कोई भी रेसिपी बनाने में दिक्कत नहीं हो तो देखिए अच्छे से मेरा यह गोल्डन फ्राई हो गया है और अब मैं इसको एक से दो मिनट और लगेगा और ये बढ़िया सा कलर आ जाएगा अंदर से पक जाएगा धीमी अच्छे बनाने से तो देखिए ये बढ़िया सा कलर आ गया है अच्छे से यह मेरा पक गया है अब मैं सारे इसको फलों को निकाल लेती हूँ एक प्लेट में देखिए बिल्कुल ऐसे ही कलर चाहिए अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और अब चढ़ा दूँगी गैस पे पानी एक गिलास पानी मैंने इस तरह से रख दिया है और इसमें अच्छा सा बॉयल आने देते हैं साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी सेंधा नमक और देखिए बॉयल आ गया है पानी में अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और सारे पल्लों को मैं इसमें डाल दूँगी इस तरह में डालने से भल्ले बिल्कुल मेरे सॉफ्ट हो जाएंगे और इसको दो से तीन मिनट इसी में मैं छोड़ देती हूँ तब तबा बाकी तैयारी करते हैं ये ले लिया है मैंने बढ़िया दही और एक चम्मच इसमें मैंने डाल दिया है पिसी चीनी का डालने के बाद इसको अच्छे से मैं मिला लेती हूँ सारे भल्लों को मैंने पानी से निकाल के इस तरह से प्लेट में रख लिया है देखिए कितने सॉफ्ट और स्पंजी हैं देख सकते हैं अब मैं इसके ऊपर सबसे पहले डालूँगी इस तरह से मैंने आलूओं को काट के रख लिया था और इसके ऊपर डाल दिया है इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है इसको ज़रूर डालिएगा अब मैं डाल दूँगी लगभग थोड़ा सा इसके ऊपर भुने जीरे का पाउडर साथ ही साथ थोड़ा सा इसमें सीधा नमक डाल दिया है और अब मैं डाल दूंगी ये दही जो मेरी ठंडे-ठंडे दही है ये इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ पूरे अच्छे से भल्लों को अच्छे से कवर करना है तो अच्छे से दही डालना है देखिए सारे भल्लों के ऊपर मेरी ये डाल दिया है दही को और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा आमचूर और गुड़ की मीठी चटनी बना के रख ली थी अगर आप उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मैं आपको रेसिपी बता दूंगी ये साथ ही साथ मैंने डाल दिया है थोड़ी सी धनिया की चटनी और अब मैं जो मीठी चटनी बनाई थी वो इसके ऊपर अच्छे से डाल दूंगी तो देखिए कितना देखने में ही सुंदर लग रहा है मुँह में पानी आने वाली रेसिपी है इसको फटाफट से ब्रथ पे खाइए बनाइए खिलाइए चलिए इस तरह से मैंने चटनी डाल दिया है और अब डाल दूँगी ऊपर से जो मैं थोड़े से हरी मिर्च अदरक और धनिया की पत्ती साथ ही साथ डाल दिया है थोड़े से अदरक के लच्छे बादाम के टुकड़े और डाल दूंगी ऊपर से थोड़ा सा सेंधा नमक थोड़ा सा भुने जीरे का पाउडर और साथ ही साथ बढ़िया सा लाल मिर्ची का पाउडर तो मेरी ये चाट बिल्कुल बन के रेडी है गाइस आप इसको व्रत में जरूर खाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा थैंक यू